हाउ टू ऑटो स्क्रॉल ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप यूट्यूब यूज़ करते हैं एंड उसमें अगर आप शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं तो शॉर्ट्स वीडियो को आप ऑटोमेटिकली स्क्रॉल कैसे करेंगे। काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत आती है कि शॉर्ट वीडियो हम देखते हैं बट वो शॉर्ट वीडियो जो है एक शॉर्ट ख़त्म होती है तो दूसरी प्ले नहीं होती है ऑटोमेटिक, बल्कि वही शॉर्ट फिर से दोबारा शो होती है, दोबारा प्ले होती है। तो किस तरीके से ये प्रॉब्लम फिक्स होगी आइए जाने, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शॉर्ट की अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो क्या करना है, सबसे पहले कुछ चीज़ें समझिएगा। जैसे यहाँ पर हम अभी जैसे हम यूट्यूब को ओपन करते हैं तो अगर आप यहाँ से कोई शॉर्ट वीडियो देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए शॉर्ट्स लिखा आता है, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको क्या करना होता है वो समझिए। तो बेसिकली यहाँ पर नीचे शॉर्ट्स का ऑप्शन है तो उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर शॉर्ट्स है तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक शॉर्ट्स हमारे जैसे ही ख़त्म हो जाएगी, वो नेक्स्ट प्ले नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारी सेटिंग में वो बंद होता है। तो एक किस तरह से ऑन करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग के में चले जाना है, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर अपने प्रोफाइल में चले जाइए, यहाँ पर आपको सेटिंग का बटन मिल जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर सेटिंग में आएंगे, अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है ऑटो प्ले का, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑटो प्ले लिखा है तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक सबसे ऊपर का ऑप्शन है ऑटो प्ले नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर मोबाइल टैबलेट्स जो भी लिखा है तो इसे आपको ऑन करना है, ठीक है। यहाँ पर एक्टिव का बटन है ऑन, इसे आपको करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो एक वीडियो है वो बंद होती ही आपकी दूसरी वीडियो ऑटोमेटिक प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड जब भी आप शॉर्ट वीडियो देखें तो शॉर्ट सेक्शन में ही देखिएगा, अगर आप कोई वीडियो सर्च करके देखते हैं तो उस केस में वो प्लेएबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना यही है कि यहाँ पर शॉर्ट्स का जो सेक्शन है उसके ऊपर चले जाना है, यहाँ पर शॉर्ट्स वाले सेक्शन में, और इसके बाद आपकी जो अगली वीडियो है ऑटोमेटिकली प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।